So, topic which everyone is thinking about, which is the increase of petrol prices in India, which hit it 100 rupees per liter. देखो मियाँ, ये जो बात थी ना, आप उनको बोलेगे तो ये जो बात थी ना, प्याज आलू तक ही ठीक थी। अब तो इन लोगों ने पेट्रोल को भी नहीं छोड़ा। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल प्राइसेस के बारे में क्या बोला? आप पेट्रोल प्राइसेस के बारे में क्या बोलते हैं? No, like what I say, like, listen, I say that what we say, like the as winter goes, the prices will get down automatically. धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी लॉजिकल बात करी है, जो आपको मिनटों में समझ आ जाएगा, लेकिन समझ ही नहीं आएगा कि बोला क्या, बोला क्यों। अच्छा ठीक है, विंटर पे ब्लेम आ गया है, लेकिन अगर लोग सेंटेंस के इतना मीनिंग में जाएंगे तो लोग कुछ ऐसा करेंगे। ए भाई जाने आसे, जब तू जाएगा तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएगा भाई। जाने एक मिनट, जब न्यूज आई थी तो कुछ ये बताया गया था, नमस्ते मित्रों, ये मैंने किया है। इन द न्यूज इट सेज समथिंग एल्स, बट whatever, now the blame is on winter, haha, lol. अगर ऐसी पेट्रोल प्राइस का चलता गया तो कुछ दिन में लोग ये कहेंगे, सुनो। क्या रे मियाँ, मेरे को बोलते तो मैं तो बोलता मैं अपने साइकिल पे ही ठीक हूँ। What me? Like मैं तो अपने इलेक्ट्रिकल साइकिल पे ही ठीक हूँ। तुम सब लोग वेस्ट हो, मैं तो अपने घर पे ही ठीक हूँ। But can you believe 17 rupees increase in just one year? अगले नहीं, आप सोचते हो कि 17 रुपये सिर्फ एक साल में कैसे बढ़ सकते हैं, वो भी पूरा साल हुआ भी नहीं है, और पूरा साल हुआ भी नहीं, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है और अभी प्राइसेस इतना। अब भाई आप पून की स्टोरी सुन, हुआ क्या था, मैं अपनी दोस्त की गाड़ी ऐसी जैसे लेता रहता, मेरी अपनी गाड़ी तो है नहीं, ठीक है, तो मैं अपनी दोस्त की गाड़ी ऐसी चलाता रहता था। एक दिन उससे मैंने उसकी गाड़ी ले ली, वो मेरे को बड़ी खुशी से अपनी गाड़ी दे रहा है, क्योंकि मैं तो न्यूज़ से अवेयर रहता ही नहीं हूँ, और वो मेरा रूममेट है तो उसको भी पता मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो बोलता हाँ तो मेरी गाड़ी ले ले भाई, तो मेरी गाड़ी ले ले, जा आइश कर ले ले, फिर शाम में ले आना, और फिर मैं बोला ठीक है ले आऊँगा। फिर जब मैं गया तो गाड़ी की पेट्रोल इतना ही डाउन थी जैसे किसी ने, और तभी मैं सोचूं कि उस रात वो घर के अंदर क्यों नहीं था, क्योंकि जो उसका थोड़ा मोड़ा पेट्रोल बचा था ना, उसने उसको बाहर में चला चलाते उड़ा दिया, और फिर मेरे को बोला आज कि जाके तू ले ले, तू ऐश कर। तो जब मैं अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी लेके गया बाहर, तो अचानक से पेट्रोल पंप पे गया, मेरा वो पेट्रोल नहीं था उसमें, अच्छा तो पेट्रोल पंप पे गया मैं, मैंने उनको बोला कि आप पेट्रोल भरो, तो फिर वो बोलते कितना लीटर, मैंने बोला 7-8 लीटर भर दो, मैंने उसको खुश करने के लिए 7-8 लीटर बोला भर दो, तो फिर अचानक से 9-10 लीटर भर दो, फिर वो बोलता है ठीक है भरवा दिया उनने, पेट्रोल डाल दिया, फिर अचानक से मेरे को आता है 700-800 का बिल, मैं बोलता हूँ ये क्या है भाई, ये 1000 तुमने 1900 का कौन सा बिल पकड़ा दिया। फिर मेरे को पता चला कि पेट्रोल पर लीटर 100 रुपये हो गया, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा, मेरे खुद के रूममेट ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा, आप सोच सकते हैं कितना धचका लगा था उस वक्त। और फिर अगर पेट्रोल ऐसी चीज़ होती है ना कि गाड़ी से नोच से बाहर निकाल लो बार पंपर से जो डाला है, तो पक्का से बोलता कि गाड़ी से निकाल लो पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल गाड़ी से निकल ही नहीं सकता है, तो मैंने अपना 1000 दे दिया पूरा, जितने भी मेरे पास से पैसे गए, और घर आया तो हंस रहा हूँ, उसे भी पता चल गया कि मेरे को पता चल गया कि इतना पेट्रोल राइज हो गया, अब से कसम से मैंने गाड़ी उसकी नहीं चलाई। ओके, सो यू मीन नाउ यू आर ब्रोक? ए मैं ब्रोक नहीं हुआ, चुप, मैं ब्रोक नहीं हुआ भग, मैं तो सिर्फ गरीब हुआ। सो यू मीन गरीब? गरीब मीन सेम एज ब्रोक, यू गवार, एलओएल, हाहा। ए गवार नहीं बोलना, क्या रे मियां, तुम लोग चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब शांत, मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ भाई, कैमरा पागल कहीं तो बना रहे हो, किसी को भी यहाँ पे चिल्लाए जाए।
And yeah, before leaving, like, we are making this video for fun, but we need to take this topic really seriously about the petrol prices rising high. So, of course, if the price is getting high, first the onions, and then now the petrol. So the things price are rising day by day. And what happened today? What if today something or some price like went really increased and we don't even know about it? Because we don't know about it, but the common man knows it much better how it is going on him of the prices going higher and higher. So we need to stand together in this topic of the prices rising, and cause it will be really hard for the common man to run his or her house.